देखिए आप, और हम यहाँ से सामान लेंगे। अभी स्टार्ट हो गई है और मैंने इसको कम से कम 10 से 12 केक मारी हुई है। तो बकरी बोतल आलू खाने पीने का सामान लाना है। ओए मठा 500 का नोट है ये, वो भी इस वीडियो को देख ले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग भद्रवा के व्यूअर्स को, आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और अभी भद्रवा में निकल चुकी है धूप, और इसी बीच में मैंने आप देख पा रहे होंगे टी शर्ट पहनी हुई है। जैकेट पहनने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी धूप निकल गई है और 2-3 दिन बारिश रही, आज धूप फिर से निकल गई है। और मैंने कहा चलो आपके लिए व्लॉग बनाया जाए। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी का पता लेने, क्योंकि जब से मैं भद्रवा अपने घर पे आया हुआ हूँ स्कूटी का मैंने कोई अता पता ही नहीं किया कि स्कूटी की क्या कंडीशन है। बेचारी इतनी यहाँ पे बारिश हुई, इतना ठंडा मौसम है, तो कैसा उसका कंडीशन है क्या है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसका पता करने। इसी बीच में हम ब्रूनो के लिए लेके जा रहे हैं कुछ मजेदार खाने पीने का सामान। ब्रूनो के लिए लेके जा रहे हैं अंडे, दूध, चिकन, ठीक है, उसके लिए वो लेके आएंगे आज हम। काफी टाइम से उसको अंडे नहीं मिले हैं, दूध नहीं मिले हैं, चिकन नहीं मिला है, तो मैंने कहा चलो आज मौसम भी अच्छा हो गया तो ब्रूनो के लिए हमें अंडे, दूध, चिकन, अच्छी अच्छी चीजें लेके आए इसके लिए। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ वहां पे। तो गाइस साथ में स्कूटी का भी पता करके आते हैं कि स्कूटी की कंडीशन क्या है, कैसा वहां पे बेचारी ने कैसे इतनी बर्फ में सहन किया हुआ है। और जितने भी व्यूअर्स XS125 लेने की सोच रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख लें, कि अगर आप इतनी ठंडे मौसम में, ठीक है, आई थिंक माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो अगर स्कूटी बाहर रखते हैं बिना उसको कवर किए हुए और वो स्कूटी स्टार्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती। कंपनी का क्लेम रहता है कि 1 टच सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अभी हम वो चीज चेक करेंगे वहां पे जाके, ठीक है। आई थिंक मेरे को 15-20 दिन हो गए हुए हैं और मैंने अपनी स्कूटी बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट की है, इवन कि घर से बाहर गया ही नहीं था, घर पे ही था। तो अभी मैं जा रहा हूँ, स्कूटी का भी पता करते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब बने रहे इस वीडियो में, बस मैं निकलने वाला हूँ, पैसे थोड़े ले लें घर से, मम्मी पापा से पैसे ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम। फिर कौन सामान पैसे मिल गए हुए 500 का नोट है ये, ठीक है। और लेके आते हैं हम ब्रूनो के लिए दूध, चिकन, मटन, सब कुछ खाने पीने के लिए। मिल गया मुझे 500 का नोट मिल गया हुआ है, तो बस अब मैं जा रहा हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मम्मी कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? हैं जाने क्या कह रहे हो आप, हमने सिर्फ खाने पीने का सामान लाना है तो और क्या कर। हमने और कुछ नहीं आना, सिर्फ खाने पीने का सामान आना। बोतल आलू दूध आलू दूध तेल चीज बी बिस्कुट बस। गाइस मैं निकल रहा हूँ घर से, ठीक है। ब्रूनो काफी टाइम हो गया यार, उसने खाना भी नहीं खाया सुबह से। फ्लावर्स देखिए कितने बेस्ट है, और निकलते हैं घर से बाहर। गेट हमारा खुल गया हुआ है और मैं बाहर आ गया हूँ। आज मौसम अच्छा है, धूप निकली तो मैंने जैकेट पहनी नहीं है, टी शर्ट पहनी हुई है सिर्फ, और मजेदार है। दिखाता हूँ सामने का व्यू भी आपको। मौसम कुछ ऐसा है गाइस, बादल पहाड़ों पे इस तरीके से हैं, और वहां पे जा रहा हूँ अभी दुकान के लिए, ठीक है। और देखो हमें यहाँ पे रास्ते में क्या मिल गया। देखिए यहाँ पे भेड़ बकरियां भी है हमारे, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए खा रही है घास, ये भी आज धूप का मजा ले रही है अभी। ये देखिए बकरी भी है, ये देखिए बहुत ही प्यारी बकरी है, भाग भी नहीं रही, मेरे पास यहाँ पे रुकी है, ये देखिए। ओए बकरी, ये देखिए गाइस आप कितनी प्यारी है, भाग भी नहीं रही है ये, इसको मैं अच्छा लगाऊ लगता है। पहुंच गया अपनी स्कूटी के पास, आप देखिए मेरी स्कूटी कैसी है, ठीक है। 15-20 दिन हो गए थे तो मैंने स्कूटी बिल्कुल भी नहीं चलाई है, ठीक है, ऐसी पड़ी हुई है। तो आज हम XS125 को देखने वाले हैं, 1 टच सेल्फ, जो कंपनी क्लेम करती है स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। नमस्ते अद्रिस, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा मैं दिखा दूँ, ये चाबी है, चाबी हमने डाल दी इसमें, ठीक है, कर दिया इसको ऑन। और 15-20 दिन से मैंने स्कूटी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, यहीं भी पड़ी हुई थी धूप में, बारिश में, ठंड में, ठीक है। और अब इसको हम सेल्फ करने वाले हैं, देखते हैं 1 टच सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो गाइस 1 टच सेल्फ में ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है, और 1 टच सेल्फ में तो स्टार्ट हो नहीं पाई क्योंकि काफी टाइम हो गया था, 15-20 दिन से बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, यहीं पड़ी हुई थी। अभी मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती है।
डर लग रहा है कि इसका कुछ उड़ ना जाए, तो फिलहाल इसको हम नीचे उतारते हैं, रोड पे लेते हैं और फिर वहाँ पे इसको किक से स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसको मैं ले आया हूँ नीचे यहाँ रोड पे, ठीक है। अब इसको मैंने डबल स्टैंड पे खड़ा कर दिया हुआ है। अब किक से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं किक से स्टार्ट होती है कि नहीं होती, कितना टाइम लगता है वो भी आपको दिखाऊंगा। एक्सेस 125 के जितने भी लोग हैं लेने वाले हैं उनको भी पता लग जाएगा कि अगर आपने 10 से 15 दिन स्कूटी नहीं चलाई है तो अभी इतनी ठंड में रखी हुई है तो क्या रहता है इंजाम उसका, स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, कितना टाइम लगता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले निकालते हैं इसकी किक वगैरह, ठीक है। किक से गाइस कैमरा पहले बंद करना पड़ेगा क्योंकि किक सही तरह बज नहीं पा रही है, फिर मिलता हूँ। देखिए स्कूटी स्टार्ट हो गई है और मैंने इसको कम से कम 10 से 12 किक मारी हुई है तब जाके स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिलहाल स्टार्ट हो गई है। 15-20 दिन हो चुके थे मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, यहीं भी बारिश में धूप में ठंड में बाहर रही थी, लेकिन फिर भी स्टार्ट हो गई हमारी एक्सेस 125। और जितने भी इसके क्या बोलते हैं बायर्स हैं जिन्होंने ली हुई है या जो लेना सोचते हैं ले सकते हैं, कोई अच्छी स्कूटी है एक्सेस 125 और स्टार्ट हो गई है, ठीक है, दमदार स्कूटी, ऐसी बात नहीं है। तो बस अब चलते हैं, स्टार्ट हो गई, थोड़ा बंद होगी, करते हैं फिर से स्टार्ट। बस अभी हो गई है स्टार्ट फिर से, थोड़ा इसको गर्म कर लेते हैं इंजन को ताकि फिर से बंद ना हो, उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से शॉप के लिए, कुछ लेते हैं सामान वगैरह, फिर आपको दिखाते हैं इसका एक्सेस 125 का किस तरीके से क्या सिस्टम रहता है। देखिए अभी तो फिलहाल स्टार्ट है, चल रही है, तो बस अब थोड़ा इसका वेट कर लेते हैं, थोड़ा इंजन गर्म हो जाए अच्छे से, फिर निकलते हैं। पीछे का व्यू देखिए, देखिए मेरे पीछे इस तरीके का व्यू है, अभी धूप निकली है, टी शर्ट पहनी हुई है फिलहाल मैंने, ठंड नहीं है अभी, तो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलता हूँ आपको शॉप पे। अब मैं पहुँच चुका हूँ अभी दुकान पे, स्कूटी भी हमारी सही चली, काफ़ी टाइम से मैंने चलाई नहीं थी लेकिन 15-20 दिन हो गए थे ठंड में बाहर ही रही थी लेकिन चल पड़ी। और अभी बस दुकान पे हूँ मैं, अंकल की दुकान पे यहाँ पे आऊँ और ये दुकान है यहाँ पे छोटी सी, चलो और हम यहाँ से सामान लेंगे अभी, ठीक है। तो अंकल आप मुझे दे दो तेल सरसों का, एक लीटर वाली दे दो। लीटर वाली आधे लीटर वाली और दो लीटर। तो बस गाइस अभी एक शॉप पे गया था, वहाँ पे हमें पूरा सामान मिला नहीं, अब मैं दूसरी शॉप पे जा रहा हूँ ताकि सामान हमें मिल जाए पूरा। गाइस ये देखिए, ये चल रही है हमारी स्कूटी और ये सामने का व्यू इस तरीके से है कुछ, देखिए आप, ये देखिए, ये पास में नजदीक में है तो यहाँ पे थोड़ा भी लुक नहीं डली है, रोड कच्चा रोड है। तो गाइस मैं सामान लेकर आ गया हूँ और मेरे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा लो हो गई है, लो के आगे डेड होने वाला फोन, तो बस मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूं स्कूटी मेरी अच्छी चली और दुकान से भी मैं सामान ले आया। दुकान में मैं इसलिए दिखा पाया क्योंकि और भी ज्यादा लोग थे, इसलिए मैं आपको दुकान को थोड़ा दिखा नहीं पाया, लेकिन ठीक थी दुकान, अच्छी दुकान है, सामान मिल गया मुझे। बस अब मैं जा रहा हूँ घर के लिए और फोन की बैटरी डेड होने वाली है, फोन बंद हो जाएगा, इसलिए मैं तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।